हाँ जी भैया, नाउ वी आर एट इम्पोरियम मॉल। भैया मेरे साथ हो ना? हाँ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? मेरा नाम दानियाल और मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले 3-4 काम ना कर लें। हाँ जी, तो यार अभी मैं उठा हूँ और सबसे पहला काम दिन का आज का ये है कि मैंने जाना है यूनिवर्सिटी QMT, और मैं रहता हूँ गुलशन रावी में और यूनिवर्सिटी है जौहर टाउन शौकत खानों के पास। जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें रास्ता पता चल गया होगा कि कितना लंबा है, तो उसके लिए ना मुझे एक पार्टनर ढूंढना जो मेरे साथ चले। तो मैं मुआज को भी कॉल कर रहा हूँ, अरसल को भी कर रहा हूँ, अली को भी कर रहा हूँ, देखते कौन मेरे साथ जाता है कौन नहीं, क्योंकि इतना लंबा रास्ता अकेले तय करने वाला नहीं है। हाँ जी भाईजान, तो जैसे कि मैंने कहा था अगर किसी को साथ जाने के लिए मुझे टच करना है, तो हमने अब्दुल्ला भाई को टच किया। यस, तो अब हम अब्दुल्ला भाई के साथ UMT जा रहे हैं, वहाँ पर एडमिशन का पता करना है, फिर वापस आके एक दो और काम है, तो अब UMT जा कर बात करते हैं। हाँ जी भाईजान, तो अभी हम फिर ये UMT के उधर एडमिशन ऑफिस में बैठे हुए हैं। 184 है हमारा नंबर, और बस हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। 1500 रुपये का प्रस्पेक्टस है, लेते हुए जान जा रही है। और व्हाट्सअप पता नहीं, मूवी भी देखनी है। और हाँ, मूवी भी देखनी है, अभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस इतना ही रफ है, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं बाहर, फिर चलने जरिए और नज़ारे दिखाते हैं। ओके ठीक। हाँ जी भाई, तो फिर हम अभी अमाना मॉल गए थे, वहाँ पे हमें टिकट्स नहीं मिली हैं, तो हम ये मॉडल टाउन में आए थे एम ब्लॉक मूवी देखने। यार इसने बहुत दिमाग ख़राब किया है, कसम से मेरा बिल्कुल मूड नहीं एम्पोरियम जाने का, लेकिन भाई मान ही नहीं रहे। क्यों जाना है एम्पोरियम बताओ? ब्लॉग में तो कह दिया, ब्लॉग में दिखाना लाजमी होगा। बिल्कुल, ये किस किताब में लिखा है कि अगर आपने ब्लॉग में कह दिया तो वो दिखाना? अरे हम बहस बहस करते हैं और क्या, अब हम आपको जाके दिखाते हैं आगे क्या होगा। एम्पोरियम जा रहे हैं और अजीब है वैसे। हाँ जी भाई जान, नाउ वी आर एट एम्पोरियम मॉल। ये मेरे साथ मुर्शिद। हाँ जी, तो यार सीन्स अब कुछ इस तरह के हैं कि अब हम जा रहे हैं अंदर, होपफुली हमें टिकट्स मिल जाएँ। हाँ हमें टिकट्स मिल जाएँ, उम्मीद तो है। वही नहीं, वही लाहौरी लड़कों की तरह बस वही है। और बाकी फिर ज़रूरी बात एक है घर जाके, वो ज़रूरी। हाँ जी भाईजान, तो अब हम एम्पोरियम के अंदर हैं, इसके बाद जाना है खाना खाने, क्योंकि मूवी की टिकट्स नहीं मिली हैं। और व्हाट्सअप का मुंह बना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि कल की हम एडवांस टिकट्स ले लें, लेकिन मैं नहीं ले रहा। क्यों लूँ मैं? वजह क्यों लूँ? नहीं मतलब एडवांस टिकट्स किस चीज़ के लिए? कल आके देखो, हमें स्टूडेंट कार्ड पे डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन व्हाट्सअप मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या सीन है, हद हो गई है वैसे। पर अब इन्होंने एक और रोला डाल दिया, आइसक्रीम खानी है। नहीं मतलब आइसक्रीम खानी है, 250 रुपये की आइसक्रीम है। मैं कह रहा हूँ आलम की स्पेशल कब खाएंगे जाके, 120 रुपये का नहीं, 250 वाली मैगनम खानी है। अब तो होगी यार, चले फिर खाना खाने जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाते हैं सीन्स। हाँ भाई, तो यार अभी हमने चाइना ग्रिल से कोई क्रेजी किस्म का लंच किया, और लंच के सीन्स तो आप देख ही चुके हैं। एज यूजल बट साहब ने अपनी आइसक्रीम की रेट लगा के रखी हुई है। बेसिकली हमारे तो सिर्फ मूवी देखने टिकट्स मिल गई, फिर 80 टिकट्स मिल गई हमें, लेकिन हम आए थे उम्मीद लगा के कि यार मिल जाएगी 250 रुपये की स्टूडेंट कार्ड पे, तो वहाँ पे 600 रुपये की टिकट थी, इसलिए हमने नहीं लिया। टू बी ऑनेस्ट, सीरियसली इसलिए नहीं ली। बस फिर अब बचा है, शायद
شاید گھر جانے سے پہلے موٹر نے گراؤنڈ لگا لیا شاید, تو پھر ان شاء اللہ گھر جا کے وہ امپورٹنٹ بات کریں. ہاں جی بھائی جان, تو یار اسٹوری یہ ہے کہ آرم آن ارتھ بلاگس اینڈ ڈی ایس ٹی پروڈکشن آر گوئنگ فار کولیبوریشن. لائک آفٹر سینگ عرفان جی نے جو ہے ایم ایس کے بلاگس کولیبوریشن, ہم نے بھی یہ ڈیسائڈ کیا یار کہ وہ پاکستان اور انڈیا کمپیئر کریں تو ہم لاہور اور اسلام آباد کو کرتے ہیں. ایس ارمان وہ ہے اسلام آباد کا برگر بوائے اور ہم تو لاہوری منڈے ہیں, یو نو لاہوری ششکا جن نے لاہور نہیں دیکھے اور جمعہ ہی نہیں. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسی طرح اسلام آباد اور لاہور کو کمپیئر کریں گے. تو شوٹنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے کولیبریشن کی, تو انشاءاللہ 1 to 2 weeks ویڈیو آ جائے گی. اور بس ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں, بس یہ اناؤنسمنٹ ہی کرنی تھی ایک. ہاں اور باقی پھر ہنستے رہیں خوش رہیں, اور اگر یہ والا بلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں جو یہاں پہ آ رہا ہے, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں کہ کیسی لگی ہے, اور جینوئن کمنٹ. سیریسلی اگر آپ کوئی برے کمنٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یہ چیز میرے میں بری ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. بیڈ کمنٹس آر ناٹ ریئلی بیڈ, مطلب اگر آپ کسی کے برے کمنٹ دے کے ڈس ہارڈ ہوتے ہو تو یار ڈس ہارڈ ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ اپنی اس چیز کو بہتر کرو کہ جس چیز پہ آپ کے ایک بندے نے برا کمنٹ کیا ہے وہ اگلی دفعہ آپ اچھا کمنٹ کرے. یار آپ کی کسی کا پرسنل دشمنی تو ہے نہیں کہ آپ کوئی جان بوجھ کے آپ کی ویڈیوز پہ کوئی برا کمنٹ کرے گا. اچھا یا برا جیسی ویڈیو لگے ویسا کمنٹ کرے تاکہ مجھے پتا چلے یار میرے میں کیا خامی ہے, اس کو میں پھر آگے جا کے امپروو کروں اپنا, کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے امپروو ہونا ہے. تو بس کمنٹ یار سچے والے کمنٹ کرنے, جس طرح کی ویڈیو لگتی ہے بکواس لگتی ہے اس میں یہ چیز اچھی نہیں ہے یا میں زیادہ بولتا ہوں یا کچھ بھی ہے, تو جیسی ویڈیو لگے گی ویسا کمنٹ کرنا. تو بس ٹھیک ہے, ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل سبسکرائب کر دینا, تو پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں.